या पे आप डिसअपियर हो जाओगे, आपकी आत्मा या घूमती रहेगी, ऐसा गांव वाले कहते हैं। ऐसा तो गाइज हम भांगड़ घर आ गए हैं, 40 रुपये पार्किंग है एंड ये वीराना, बिल्कुल दिस इज द लॉस्ट सिटी ऑफ राजस्थान। गाइज ये देखो सब कुछ डिजिटल है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ने इसको डिजिटल कर दिया है, हमारी टिकट स्कैन हो गई है एंड यहाँ पे आपको पेटीएम से स्कैन करना होता है। सो गाइज डे 3 हम लोग आए भांगड़गढ़ फोर्ट घूमने के लिए एंड दिस इज द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया। तो हम भी देखेंगे क्या सच्चाई है इसके बारे में और क्या सच्चाई नहीं है इसके बारे में। तो चलते हैं और हम भी देखते हैं यहाँ के नज़ारे, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और 400 साल पुराना है ये, 400 ईयर्स। तो ये जो यहाँ पे लिखा है ये कह रहे हैं कि पूरा टाउनशिप है, मतलब उस टाइम पे 400 साल पहले की टाउनशिप है। लगाओ ये मार्केट एरिया होता था सारा, यहाँ पे मान लो दुकानें होती थी, लोग बेचते थे सामान। यहाँ पे आपकी 7 मंजिला उनका फोर्ट होता था खुद का, जहाँ पे राजा साहब रहते थे। देखो दीज आर स्ट्रक्चर्स, ऊपर दुकानें हैं, मतलब हम अभी मॉल्स देखते ही, आप कॉरिडोर देखो क्या बढ़िया से बना रखा है। यहाँ पे आप समझो ऊपर टेंट लगा के शॉपिंग होती थी। ये देखिए सारा स्ट्रक्चर है, अलग अलग शॉप्स है, कितनी सारी शॉप्स है। आप देखो यहाँ पे आप डिसअपियर हो जाओगे, आपकी आत्मा या घूमती रहेगी, ऐसा गांव वाले कहते हैं, ऐसा यूट्यूब पे वीडियोस कहती है, ऐसे न्यूज़ चैनल्स भी क्लेम करते हैं। मार्केट जैसे हम जा रहे हैं अब सीधा किले की तरफ, ओल्ड स्ट्रक्चर ऑफ भांगड़गढ़। क्या नाम है बेटा तेरा? उत्तम। उत्तम, यहाँ पे गोपीनाथ मंदिर है, इसमें पहले कृष्ण जी की मूर्ति क्यों चोरी हो गई? मूर्ति चोरी हो गई? हाँ। किसने चोरी करी? ये पहले के लोग चोरी कर ले गए। यहाँ पे 4 मंदिर है, चारों मंदिरों में किसी मंदिर में मूर्ति नहीं है। पहले नीलम के पत्थर की मूर्ति थी, तो सभी मूर्तियाँ चोरी हो गई। वो उधर ऊपर पहाड़ पे छतरी है, हाँ। तो एक तांत्रिक रहता था, उसका नाम था सिंधा सेवड़ा। तो जो सिंधा सेवड़ा की कहानी है ये वही बता रहे हैं। और ये देखो अंदर जो टाउनशिप है, इसमें कहीं पे भी आपको कहीं पे भी मूर्ति नहीं है मंदिर में जो अंदर है। और वो उधर ऊपर पहाड़ पे छतरी, उस पर एक तांत्रिक रहता था। अच्छा। महल में राजा रानी रहते थे, रानी का नाम रत्नावती, राजा का नाम माधव सिंह। माधव सिंह इसको मानसिंह ने बनाया था अपने छोटे भाई माधव सिंह के लिए। अच्छा। ऊपर एक रानी का स्नान कुंड है, ओके। रानी रोज स्नान करके सिर में लगवाने के लिए तेल मंगवाती दासी के पास। इधर रास्ते में पीछे छोटे छोटे मकान थे, ये पूरा जौहरी बाजार था मार्केट। अच्छा। तो रानी रोज सिर में लगवाने के लिए तेल मंगवाती दासी के पास। तो एक दिन दासी तेल लेके आ रही थी। हाँ। तो उस तांत्रिक ने पूछा कि दासी तेल तुम किसके लिए लेके जा रही हो? तो उसने कहा कि रानी के लिए। अच्छा। तो तांत्रिक ने उस तेल में कुछ जादू कर दिया, तेल घूमने लग गया। अच्छा। तांत्रिक को पता था कि रानी इस तेल को लगाएगी तो अपने पास आ जाएगी। अच्छा। तो रानी को पाकर यहाँ का राजा बनना चाहता था। अच्छा। तो दासी उस तेल को रानी के पास लेकर आई, तो रानी पूछी इस तेल को किसने देखा है? दासी ने कहा किसने ही नहीं। अच्छा। रानी ने कहा सर कई भांगड़ से बाहर निकाल दूंगी। हाँ। दासी ने कहा कि अपने सैनिक ने। हाँ। राजू नाकू ऊपर पहाड़ पे तांत्रिक छतरी बनवाई थी कि हमला होता था, तो वहाँ से देखता था तांत्रिक यहाँ का सैनिक था। अच्छा। तो रानी उस तेल को लगा लेकर तांत्रिक के पास पहुँच जाती। रानी ने उस तेल को एक शिला के पत्थर पर गिराया। अच्छा। और बोला कि जो भी इस तेल को जादू करा है उसके ऊपर जाके गिरना। अच्छा। वो शिला का पत्थर उड़ के उस तांत्रिक के सिर पर गिरा और वो मरते हुए श्राप दे के एक रात एक दिन में भागने वाले भाग जाओ ये पूरा खंडर हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस 3 सुरंगें थी जो बंद कर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों ने, फॉर द सिक्योरिटी रीजन। तो गाइस ये केवड़े के पेड़ है जो बिरयानी में भी डलता है, जिसकी खुशबू आती है। हमें तो काफ़ी चलना पड़ रहा है, जो राजा महाराजा होते थे उनकी पालकियाँ होती थी, उनके घोड़े होते थे, तो काफ़ी स्टीप है, फिजिकली फिट होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपने घूमना असली इंडिया, फिट रहेगा इंडिया तभी तो देखिए पूरा इंडिया। अभी दोनों सुरंग बंद है, अब कोई जाता नहीं अंदर, चमकादड़ है। इधर राजा रानी कमरे अंदर 7 कमरे। तो ये है गाइस टाउनशिप पूरी। नहीं, वहाँ से आए हम।
और वो है जो शॉप चा से आए, ये है पूरा राज्य, ये है महल। आर्किटेक्चर देखो 400 साल पुराना इंडिया का, इनक्रेडिबल इंडिया। तो कहानियां मानो तो जो लोग रात को रुकते हैं वो यहीं पे गायब होते हैं। यहाँ पे लोग दारू पी के गलत तरीके से घुसते हैं, सोचते गार्ड को पैसे दे देंगे, अभी चोरी छुपो किसी जगह से आ जाते हैं, नहीं आना चाहिए, आपकी जान है तो जान है। यहाँ पे पॉसिबली वो सारे सीन होते हैं जहाँ पे लोग जाते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। भांगड़ घर फोर्ट की सही सच्चाई है जो लोग बताते हैं। तो हम आपको नहीं बोलते आप भूत प्रेत जादू टोना पे यकीन करें, लेकिन कुछ सुनी सुनाई बातें होती है तो मन विचित्र हो जाता है और डर लगने लगता है। डर इंसान का ऐसी चीज है, आप मान लो जब कोरोना आया था डर की बात करें तो डर से लोग ज्यादा मर रहे थे, कोरोना से कम मर रहे थे। अब डर निकल गया लोगों का कोरोना से, तो डर के आगे जीत है, लेकिन सेफ्टी इज नंबर वन प्रायोरिटी। रात को मत आओ, हम तो नहीं आते, बहुत से डर नहीं लगता, लेकिन वी डोंट टेक चांसेस। तो गाइस फैमिली के साथ आप आ रहे हैं अगर, तो रास्ते में आपको अगर वॉशरूम या कुछ यूज़ करना है तो फोर्ट के वॉशरूम बहुत ज़्यादा गंदे हैं, टूटे फूटे, यू कांट यूज़ इट। तो हम लोग नहीं, होटल राज है, इट इज़ लाइक मैं कहता हूँ 2 मिनट का ड्राइवेबल डिस्टेंस है भांगड़ फोर्ट से। यहाँ के वॉशरूम भी साफ है, यहाँ पे खाना भी हाइजीनिक है, बड़ी अच्छी मेंटेनेंस कर रखी है यहाँ पे। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आपने वॉशरूम यूज़ करना फैमिली का था तो यू कैन कम हेयर, काफ़ी साफ वॉशरूम है यहाँ पे और खाने पीने का भी अरेंजमेंट काफ़ी बढ़िया है। तो फैमिली का आओ, तो दिस इज़ अ लिटिल टिप, लेट्स गो। देखो क्या मौसम है, ओ हो हो। गाइस फाइनली हम आ गए हैं, ये सामने है चौकीदानी विलेज एंड ये है रिजॉर्ट बढ़िया सा, जहाँ पर हम जाएंगे थाली खाने राजस्थान की। अभी आपका नाम सर? निखिल। तो आपने उसका एक्सपीरियंस देखा होगा, ये है पूरे गांव का एक्सपीरियंस, ये दूसरा वर्जन है, ये चौकीदानी का रिजॉर्ट आपको कभी किसी ने दिखाया होगा। सो गाइस ये देखो, ये है इनका ओपन एरिया, ये ओपन सेटिंग है। आपने अगर आना हो चौकीदानी लेकिन रात तक की वेट नहीं कर सकते कि वो कॉन्सेप्ट खोले और आप जाके राजस्थानी प्योर खाना खाओ, तो आप चौकीदानी रिजॉर्ट आ सकते हो। जैसे हम आए, हम खाएंगे वेजिटेरियन खाना, राजस्थानी फूड, नॉनवेज भी उसमें दाल, उसमें लाल मांस ऐड करते हैं। तो आपको जाकर टूर दिखाते हैं बढ़िया सा। अच्छा तो ये दिस इज़ फॉर 900 रुपीज़। एक बार बताओगे, ये तो सैलेड है, ये रहता है, ये हो गया आपका बाटी, दाल बाटी हो गया, चूरमा, चूरमा, आलू प्याज की सब्जी, अच्छा, दाल, पनीर, गट्टा, केरसांगरी, चपाती, पापड़, चटनी, मिर्ची के टपोरे, राइस, मिर्ची के टपोरे। गाइस ये है यहाँ की राजस्थानी स्पेशल थाली। तो आप नीचे बैठोगे तो अनलिमिटेड है वहाँ पे, और वो रेट भी 750 रुपये, ये 900 रुपये की है। सिट डाउन है, अंदर एयर कंडीशन रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप खा सकते हो। हम बाहर खा रहे के वीडियो अच्छी आ सके ना, ढंग से देख सको, बड़ा अच्छे तरीके से मास्क वास्क सबने पहन रखा है। एंड दिस इज तानिश, तो आपका हमेशा ये चिंता रहती है कि तानिश को हम बिल्कुल गरीब वाली जगह भेजते हैं। 900 रुपये की थाली खा रहे तानिश, 900 रुपये की थाली खा रहे। सो गाइस डे 3 इन जयपुर और हम खा रहे हैं बढ़िया सा राजस्थानी फूड, जयपुरिया फूड। ये फुलके हैं, ये बाजरे के हैं, वो आटे के हैं, तवा चपाती है, ठीक है। तो ये हम सबसे पहले टेस्ट करेंगे केर सांगड़ी। ये तो काफ़ी अच्छी है केर सांगड़ी। जब मुगल शासन आया थे और कुछ राजपूत को राजस्थान छोड़ना पड़ा था, उसमें से काफ़ी यूपी झारखंड साइड गए थे, तो बिहार झारखंड जाके ये लिट्टी हो गया दाल बाटी। तो दाल ये जो बाटी है वो बन गई लिट्टी, वो खाने लगे चोखे के साथ, ये इसकी हिस्ट्री है। खाते अब गट्टे की सब्जी, काफ़ी टेस्टफुल है। एंड रोटी और चावल आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, बाकी सब कुछ फिक्स्ड है। आई थिंक 900 रुपये के हिसाब से क्वांटिटी ठीक है, लिटिल एक्सपेंसिव बट इट्स मोर ऑफ अ प्रीमियम प्लेस। ये है पनीर की सब्जी, दिखने में काफ़ी स्वादिष्ट लग रही है। अब ये देसी घी में बाटी खाते हैं इसको स्टाइल से बढ़िया। तो चावल को थोड़ा साइड में रख लेते हैं हम लोग, बाटी को उसमें लेते हैं, उसमें मिला के दाल, ये होती है अरहर की दाल, अरहर की दाल कम पानी में उग जाती है। ये है चूरमा,
आप अगर मीठा ना खाना पसंद करो तो उसको ऐसे डिजर्ट भी खा सकते हो। तो इसके भी काफ़ी हिस्ट्री में क्या, पहले बाटी आई, फिर दाल उसका खाने लगी लोगों ने, फिर चूरमा बाद में आया, अब तो काफ़ी वेरिएशन हो गए इसके। वीडियो एंड तक देखना, आपको रूम के भी दर्शन कराऊंगा अगर विलेज में रहना हो अपने। दोनों जगह फ़र्क है रेट का, 150 रुपये एक्स्ट्रा देखे, आप लिमिटेड पोर्शन खा सकते हो, बट ये भी एक एक्सपीरियंस है बैठ के खाने का। ये आलू की सब्ज़ी है, पूरी मोर और लेस सेम, आलू की थोड़ी सब्ज़ी थोड़ी कम अच्छी लगी, बाकी सब चीज़ें बड़ी मस्त थी। तो आप भी शौकीन हो लिमिटेड चीज़ के बैठ के खाने के, और ये विलेज वाला एक्सपीरियंस लेना हो तो यहाँ पे आ सकते हो रिजॉर्ट में, वरना चौकीधानी जा सकते हो। चौकीधानी काफ़ी लोगों ने कवर कर रखा है, हमने सोचा आपको नया एक्सपीरियंस दिखाई यहाँ का। मैं खाना फिनिश करूँ फिर चलते। ये था हमारा एक्सपीरियंस चौकीधानी रिजॉर्ट का, खाना अमेजिंग है, और इस टाइम पे आई थिंक इस टाइम पे विलेज भी खुल गया है, तो वहाँ पे जा सकते हो, वरना यहाँ पे भी आ सकते हो रॉयल एक्सपीरियंस लेने के लिए। गाँव का रॉयल एक्सपीरियंस राइट। Day 3 सेकेंड प्लेस आफ्टर द मोस्ट डरावना प्लेस इन इंडिया टू अ विलेज सीन। तो हाई कोर्ट के 5 नंबर गेट के पास बैठते हैं, ये है कलकत्ती स्पेशल, जो इनका वड़ा होता है वो मूंग की दाल का, बिना धुली हुई मूंग की दाल का होता है, काले वाला, एंड काफ़ी सारे मसाले डालते हैं, दही की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है। 100 रुपये प्राइस है, यही प्राइस था 3 साल पहले भी 100 रुपये जब मैंने यहाँ पे खाया था। ये इन्होंने अपना मसाला डाला है खुद का, ये दही भल्ला हो गया, हाँ, ऊपर से जीरा डाल दिया, ठीक है, और ये छोले की चटनी है। छोले की चटनी क्या क्या डालता है छोले की चटनी में? इसमें चना चौड़ा मोट, अच्छा, और ये है पंड खजूर की मीठी चटनी, पंड खजूर की मीठी चटनी, ठीक है, और ये फिर ग्रीन चटनी, हरी चटनी, हरी चटनी, धनिया पुदीना कच्चे नारियल की, और फिर इसके बाद में ये है लहसुन की चटनी, जिसमें मिर्ची डालती है, वो मठानिया मिर्ची डालती है या कि तभी ये रंग कलर आता है, ये मठानिया मिर्ची है सर। आप ये देखो डिस्पोजेबल प्लेट जो है इनकी, बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल है। मैं 2 साल या 3 साल पहले जब भी आया, मुझे ये चीज़ आके बड़ी खास लगी थी कि बायोडिग्रेडेबल है ये। तो इनकी और कोई ब्रांच नहीं है, बोल रहे काफ़ी कलकत्ता के नाम से खुल गया है, लेकिन इनकी कोई शाखा और नहीं है। तो गाइस टेस्टिंग करते हैं अब। काफ़ी सॉलिड धुएँदार, ऐसे दही भल्ले आपने कभी नहीं खाए होंगे, मैं तो कलकत्ता में भी ऐसे नहीं खाए। जो लहसुन की चटनी है ना मठाने वाली, वो हुए गज़ब ही टेस्ट है, कौन डालता है ऐसी चटनी आप बताओ, और भल्ले माइंड ब्लोइंग, वाह भाई वाह, फुल 10 में 10 है। इनकी एक आइटम और भी अच्छी है, वो है इनका चिल्ला, जिसमें भी कुछ 50 टाइप के इंग्रेडिएंट डलते हैं। चल के देखते हैं हम ये चिल्ला कैसे बनाते हैं। काफ़ी मोटा चिल्ला बनता है, आपने कभी ऐसा चिल्ला नहीं देखा हुआ लाइफ में, देखो कितना ग्रेनी है, वाह ग्रेन देखो कितना ग्रेनी है, ये वो नहीं है बिल्कुल। तो जो सिलबट्टे और मशीन में जो पिसती है ना, वही कोल्ड प्रेस और रिफाइनमेंट का है, सिलबट्टे में बनी हुई चीज़ का फ्लेवर ही अलग आता है। ये देखो गाइस, ये तो मुझे डोसा लग रहा है ज़्यादा। इसको भैया ना आप ना 200 में डाल देना, ठीक है, खाओगे ना भैया? अरे टेस्ट कर लेना, दोबारा थोड़ी आएगा। देखो ये बिगेस्ट चिल्ला इन इंडिया पलटा, आपने खाया इंडिया का सबसे बड़ा चिल्ला। तो देखो ये हमारे साथ भैया हमें यहाँ पे लेके आए, और मेरे ख्याल से इनका भी पेट निकल जाएगा भैया 10 बार। क्या अच्छा लगा आपको, मतलब अब तो हमारे जयपुर आए हो आप हमारे साथ, आपको सबसे अच्छा क्या लगा 3 दिन में जयपुर में? आपकी जबान में आते हैं, हम तो खाते रहते हैं, आपने जैसी यूनिक चीज़ें खाई, आपको क्या अच्छा लगा सबसे ज़्यादा? ऑमलेट लगी अच्छी सर, वो ऑमलेट अच्छी लगी। दूसरा ये दही बड़ा, दही बड़ा
दो जगह डालना भैया, सब टेस्ट करेंगे हम लोग। भैया भी काफ़ी बड़े फूडी है, तो दिस इज मोर देन इनफ। 100 रुपये में पेट भर के खा सकते हो चिल्ला, एंड इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। एक तो जितनी भी दालें होती है वो ग्लूटेन फ्री होती है, तो ग्लूटेन फ्री जितनी भी चीज़ें होती है वो लाइट रहती है, किससे सोचा था इतना बढ़िया मल्टी ग्रेन विद ग्रेन्स आपको एक कार्ट पे मिल सकता है जयपुर में, द ग्रेनी फूड। आई थिंक अच्छे फूड को देख के भी कभी बोलना चाहिए ओ हो हेल्दी फूड, देख के मज़ा आ गया। तो आप भी कमेंट करके हैशटैग यूज़ करो हेल्दी का मज़ा, हेल्थ का मज़ा। अगर आपको ऐसे हेल्दी स्ट्रीट फूड अच्छा लगता है तो हेल्थ का मज़ा, हैशटैग हेल्थ का मज़ा। ये देखो गाइस 70% डाले हैं, मैं इसको खाऊंगा लहसुन की चटनी के साथ। दिस इज नेक्स्ट लेवल चिल्ला, अब मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, मैंने इससे अच्छा चिल्ला नहीं खा रखा। काफ़ी कैटरर्स के यहाँ का खा रखे हैं, पुरानी दिल्ली के खा रखे हैं, कोई टक्कर नहीं है चिल्ले का। मुझे को सिर्फ लहसुन की चटनी और जो चने की है ये उसी का मज़ा है, 100 रुपये के पूरे पैसे वसूल हैं, और इससे बजाय चिल्ला भी आपने खा रखा होगा। तो गाइस डे 3 की 3rd डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम लोगों को दही बड़े खाए हैं और बेस्ट अमेजिंग चिल्ला, इससे बेटर चिल्ला आपने नहीं खाया होगा पूरे हिंदुस्तान में। अब चलते हैं लास्ट जगह हमारी 3rd डे की। तो गाइस हम हैं मुगल दरबार में, ये 42 ईयर्स ओल्ड रेस्टोरेंट है या ढाबा है जयपुर के अंदर। दिस इज़ मोर लाइक जैसे हर शहर में एक यू नो वेरी फेमस मुगलई मुस्लिम रेस्टोरेंट होता है, तो दिस इज़ वन ऑफ दोज प्लेसेस जहाँ पे मुस्लिम टेक्निक से बनाया जाता है। अब आप लोगों को वो क्या है, जैसे ये तंदूरी रोटी है, ये खमीरी रोटी होती है जो स्पेशली आपको यही मिलेगी प्योर मुगलई रेस्टोरेंट्स में। रुमालिंग की अलग टाइप देखिए, कोरमे जो है ये देखो अलग रूप होएगा मटन का, मटन की डिशेज काफ़ी अच्छी होएगी। ये है आपका टमाटर का गोश्त जो यहाँ पर बड़ा फेमस है, ये है स्ट्यू देखिए, ये जैसी करीम्स हो गया जवाहर हो गया वैसी कुकिंग है लेकिन टेस्ट अलग है। तो खमीरी रोटी लेते हैं, पहले खाते हैं कोरमा के साथ इसको, देखिए हमारे पास पीस है कितना बढ़िया। वेरी नाइस, कोरमा इस सिमिलर ये दिल्ली में आपको बढ़िया लेवल का कोरमा मिलता है। मैं इलायची का एक मीठी सी खुशबू होती है इलायची की, भुने हुए प्याजों की, सेम टेस्ट, वेरी गुड। ये हाफ प्लेट है, तो हाफ प्लेट यहाँ पे 2 पीस आते हैं एंड काफ़ी रीजनेबल है। ये जो हाफ प्लेट है 130 रुपये की, और ये कितने की है 120, और ये 120। अमेजिंग प्राइजेस, मतलब मैं इतने सारे ऐसे दरबार ढाबे गया हूँ ऑल ओवर द कंट्री लेकिन इतना सस्ता आई डोंट थिंक जो कहीं पे मिलता होएगा। मटन वो भी स्पेशली, ये है टमाटर वाला गोश्त, मटर टमाटर गोश्त देखिए जस्ट अलग ही हो रहा है बस। गाइस ये आगे स्ट्यू, स्ट्यू बनता है आपका सफ़ेद प्याज से, मतलब इसको भुना नहीं जाता जाता, और मिर्च और लाल मिर्च और हरी मिर्च, हाँ लाल मिर्च नहीं होती और हरी मिर्च है नहीं, हरी मिर्च होती है फ्राई मसाले में बनती है। अच्छा ये टेस्ट करते हैं यहाँ का, ये भी 120 रुपये का, कैन यू बिलीव इट 120। ये देखिए गाइस वो मज़ेदार पीसेस है, बिल्कुल फ्लेवर से भरा हुआ। 3 टाइप के स्ट्यू होते हैं, तो दिस इज़ द मुगलई द मुस्लिम वर्जन जो आपको करीम जवाहर में मिलता है। आपने कभी कोरमा खाया हो ना, कभी स्पेशली स्ट्यू खा के देखना, इसका अलग ही टेस्ट है, मतलब कच्चे प्याज में बना होता है और ज़्यादा भुनाई नहीं होती प्याज की, और इसमें तो इन्होंने डाल के हरी मिर्च। हम्म,
बहुत उम्दा। इफ़ यू आस्क मी, तो अगर आप जहाँ पे आओ कोरमा इज़ 100% मस्ट ट्राई। उसके बाद ये टमाटर वाला गोश्त फिश स्ट्यू, इसी रेटिंग में आप इनको खा सकते हो। हाइजीन का पूरा ध्यान रख रहे हैं। सब्सक्राइब कर दो, लेट्स इंक्रीज द रेशियो ऑफ पीपल वॉचिंग दिस चैनल। टेक केयर गाइस। कोरोना से डर नहीं लगता, मैं भानगढ़ से डर लगता है। तो गाइस क्या करते हैं हम लोग, जैसे हम लोग नए शहर में हैं तो हम लोग जैसे किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो पहले उनका टेम्परेचर ले लेते हैं कि वो भी रिस्क ले और अपना भी टेम्परेचर बता देते हैं कि वो भी निश्चिंत रहे।